हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांचवी क्लास का मैथ का जो सिलेबस है, गणित का जो सिलेबस है, उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से आपके बोर्ड ने क्या किया है, कुछ सिलेबस को क्या कर दिया, कुछ सिलेबस को नहीं, कुछ प्रश्नावली है उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी प्रश्नावली को हटाया गया है और कौन सी प्रश्नावली को रखा गया आपके सिलेबस में। ठीक है ना, तो देखिए, हटाई गई ये प्रश्नावली है। देखिए, ये निशान लगे होने चाहिए, ये एक तो ये वाली है, एक ये वाली हटा दी गई है, और ये चार ये प्रश्नावली हटा दी गई है, और एक ये हटा दी गई है आपके सिलेबस में से, ये प्रश्नावलियां हटा दी गई है ये वाली। ठीक है, ये वाली प्रश्नावली क्या कर दी गई, हटा दी गई। ठीक, अब जो रह गई उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, जो प्रश्नावली आपके सिलेबस में रह गई उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तो ये संख्या वाली आपके 10 नंबर की आएगी। ठीक है ना, उसके बाद जोड़ वाली ये भी 10 नंबर की आएगी, गुणा भाग ये भी 10 नंबर आएगी। ये तीनों प्रश्नावली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रश्नावली आपको ज्यादा पढ़नी है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, ये 5 नंबर प्रश्नावली देखिए, गुणज एवं गुणनखंड, गुणज एवं गुणनखंड, ये आपकी क्या है 6 नंबर की आएगी। ठीक है ना, उसके बाद छठी प्रश्नावली 6 नंबर देखिए, भिन्नों की समझ, ये 8 नंबर की आएगी। आप कितने नंबर की आएगी, 8 नंबर की। उसके बाद साथ में आपकी हटा दी गई है। अब नौवीं देखिए, पैटर्न, ठीक है ना, ये आपकी आएगी 5 नंबर की। उसके बाद आठवीं है, नौवीं देखिए, आंकड़े, ये आपकी आएगी 8 नंबर की, और ये पैटर्न आठवीं प्रश्नावली ये 5 नंबर की आएगी। ठीक है ना, उसके बाद देखिए मुद्रा, ये भी आपके 8 नंबर की आएगी। ठीक है ना, जो मुद्रा वाली प्रश्नावली है ये आपके 8 नंबर की आएगी। उसके बाद ये 4 प्रश्नावली हटा दी गई, उसके बाद 2 रह गई है, 15 और 16, 17 भी हटा दी गई है। 15 नंबर धारिता, ये 7 नंबर की आएगी, और 16 नंबर ज्यामिति, ये 8 नंबर की आएगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इनमें, देखिए 13 नंबर प्रश्नावली तक मैंने आपको करवा दी थी प्लेलिस्ट में, एनसीआरटी 5th क्लास प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, उसमें से ये सभी प्रश्नावली आपको करा दी गई है, 13 नंबर तक करवा दी गई है, 14 नंबर आपके आएगी नहीं। ठीक है ना, 13 नंबर करवा दी गई है, 14 नंबर आपके आएगी नहीं। अब रह गई ये 2 प्रश्नावली, 15 और 16, 15 और 16, 15 नंबर कौन सी धारिता, 16 नंबर कौन सी ज्यामिति, ये 2 प्रश्नावली रह गई है। ये 2 प्रश्नावली मैं आपको करवा दूंगा, ये कल के वीडियो में आएगी। ठीक है ना, धारिता कल के वीडियो में आएगी, तो आप देख लीजिए ये आपका सिलेबस है। उसमें से 17 पहले प्रश्नावली थी, उनमें से 7 को हटा दिया गया है, 17 थी, 7 को हटा दिया गया आपके सिलेबस में। अब कितनी प्रश्नावली बची है, 10 प्रश्नावली, उनमें से 13 नंबर तक मैंने करवा दी थी, और उसके बाद बची क्या 15 और 16, ये मैं आगे वीडियो में करवा दूंगा, यानी धारिता कल के वाले वीडियो में आ जाएगी। तो ठीक है ना, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।